hey everyone welcome back to my channel explore with the in today's video वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंस्ट्रोमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओके आपका एमएससी केमिस्ट्री का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यू वी स्पेक्ट्रम में भी आ जाता है और अगर हम एच पी यू की बात करें तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री उसी का ये फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा ठीक है यानी कि आपको पूछ सकते हैं वट इज़ इंस्ट्रोमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओके तो सबसे पहले हमने यहाँ पर थ्रेटिकल पोर्शन में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्बड बाय अ सैंपल ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो सैंपल ने अब्सॉर्ब कर ली ठीक है लाइक ये हमारा कोई सैंपल है तो कितना अमाउंट ऑफ लाइट इसको अब्सॉर्ब कर रहा है ठीक है बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टेक्निक इस टेक्निक को यूज़ करके वी कैन मेजर दी कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन तो सोल्यूशन जो है हमें पता है सोल्यूट और सॉलवेंट से मिलकर बना होता है तो हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन को भी मेज़र कर सकते हैं ठीक है एंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट जब हम अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करेंगे दैट इज़ अब्जॉर्ब बाई दोल्यूशन इन द क्यूब प्लेसड इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कितना जो लाइट uh, है वो एबजॉर्व किया है सोल्यूशन ने अब उस सोल्यूशन को जिस चीज़ पर हम रखेंगे दैट इज़ नॉन एज क्यूबिट एंड ग्लास वेसल भी इसको बोल लेते हैं ठीक है तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें मेज़र करके बताते हैं कितना लाइट जो है वो सैम्पल ने एब्जॉर्व किया हुआ है ठीक है और जब हम उस लाइट को एब्जॉर्व करते हैं तो हम कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट भी आ, पता कर सकते हैं उस सोल्यूशन में नाउ इट इज ऑफ टू टाइप ठीक है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम तो ये जो दो डायग्राम है बेसिकली आपको एक जैसे ही दिख रहे होंगे बट इसमें जो है सिंगल बीम में वो सबसे पहले लाइट सोर्स होगा ठीक है अब लाइट सोर्स हर रेडिएशन को पास करेगा ठीक है मोनोक्रोमेटर क्या होता है जो हर रेडिएशन को सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देगा ठीक है तो ये एब्जॉर्ब तो कर लेगा हर एक रेडिएशन को बट सिंगल रेडिएशन पास करेगा अभी ये लेंस के थ्रू पास होंगी सिंगल रेडिएशन फिल्टर के थ्रू ठीक है और ये क्यूबिट में जाएंगी क्यूबिट में हमारे पास अननोन सॉल्यूशन होगा ठीक है क्यूबिट इज ऑल्सो नॉन एज ग्लास बेसल इसमें अननोन सोल्यूशन होगा अब ये जो हमारे पास लाइट सोर्स से डिफरेंट लाइट्स आई प्रिज्म के होते हुए यानी कि मोनोक्रोमीटर से मोनोक्रोमीटर में हम क्या यूज़ करने वाले हैं प्रिज्म सिंगल बीम की तरह चली गई और वो क्यूबेट अन नॉन सोल्यूशन ने एब्जॉर्व की अब ये एब्जॉर्व जो है मेजरमेंट डिवाइस में जाएगा यानी कि डिटेक्टर में जाएगा लाइट इंटेंसिटी को वो डिटेक्ट करेंगे कि, कि किस वेवलेंथ की लाइट हमारे पास आ रही है और रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर लेगा ठीक है अगर हम डबल की बात करें तो डबल में क्या होता है कि हम इजीली कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो रेडिएशन

हमें एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा और टाइम थोड़ा वेस्ट होगा इसमें ठीक है तो अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का नॉर्मल से इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगा लाइट सोर्स में हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप आ जाएगा ऐसा लाइट सोर्स जो कि ज्यादा स्टेबल हो इंटेंस हो ज्यादा रेंज दे ठीक है जीनोन डिस्चार्ज भी इसमें आ जाएगा मरकरी आर्क भी होता है बट उसको बहुत कम यूज करते हैं ठीक है अब ये आ गया हमारा मोनोक्रोमीटर मोनोक्रोमीटर में आएगा एक एंट्रांसलिट जहां से हर एक लाइट आ जाएगी प्रिज्म सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देगा मोनोक्रोमीटर ही सिंगल बीम में कन्वर्ट करेगा एग्जिट स्लिट जहाँ से लाइट आ, मतलब जो हमारे पास डिज़ायर लाइट है जो हमें चाहिए जिस रेडिएशन की लाइट चाहिए उसको एग्जिट करेगा सैम्पल सोल्यूशन से वो जाएगी लाइट डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और रिकॉर्डर रिकॉर्ड लेगा ठीक है तो ये तो काफ़ी सिंपल सा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन था वर्किंग भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास क्यूब होता है वो लिक्विड सैंपल को होल्ड करता है ट्रांसपेरेंट रहता है और मेड अप होता है क्वार्ट्स और सिलिका, ठीक है और डिटेक्शन जो है वो बहुत वीक सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है और रिस्पांस काफ़ी फास्ट देता है टेन डेज पर माइनस नाइन सेकेंड ठीक है तो इस तरह से आप इसकी वर्किंग भी लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टूल्स इसमें हमारे पास लाइट सोर्स मोनोक्रोमीटर क्यूब और डिटेक्टर uh, और रिकॉर्डर रहेगा ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग